तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम विडमिट प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। विडमिट प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा होगा, तो आपको उसको सॉल्व कर देना। तो सबसे पहले आपको विडमिट को इंस्टॉल कर देना। अगर जो ये वाली ऐप है गाइस, स्नैपक्यूब गाइस, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। तो गाइस, आप इसको इंस्टॉल या डाउनलोड कैसे करोगे गाइस? क्योंकि इंस्टॉल या डाउनलोड उसको करने के लिए गाइस, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर अपने जाते हो गाइस, मैं अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाता हूं। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद सर्च बार में अगर सर्च करता हूं स्नैपक्यूब, तो गाइस अगर मैं स्नैपक्यूब सर्च करता हूं, तो गाइस मैं सर्च करने के बाद यहां पर देगा नो रिजल्ट फाउंड। यानी कि गाइस ऐसा कोई ऐप ही नहीं, स्नैपक्यूब नाम का कोई ऐप ही नहीं है गाइस, प्ले स्टोर पर भी नहीं है और ना ही गाइस आपके ऐप स्टोर में होगा। तो गाइस आपको इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो, इंस्टॉल कैसे कर सकते हो गाइस? आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर उठा लेना है। गाइस क्रोम ब्राउजर को ओपन करने गए, तो मैं अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ गाइस। अब क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया अपना। अब गाइस अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जाना, और सर्च बार में जाने के बाद आपको सर्च करने का सिंपली से। तो अगर मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे स्नैपक्यूब, तो अगर मैं स्नैप ही लिखूंगा स्नैपक्यूब आ चुका है दूसरे पे। तो अगर मैं स्नैपक्यूब पर क्लिक करके, तो अगर यहाँ पे दो आएंगे तो आपको दूसरे वाले पर जाना है, स्नैपक्यूब 2020 फ्री डाउनलोड एपीके फाइल। तो अगर आपको पर्पल वाले में नहीं जाना, दूसरे वाले में जाना है जो ब्लू वाला होगा। अगर आपको डाउनलोड स्नैपक्यूब का बटन दिख रहा है रेड कलर का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। ओके करोगे गाइस, तो अगर आपको ऊपर थ्री डॉट्स नजर आ रहे होंगे गाइस साइड में, बस थ्री डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड पर जाने। जैसे आप डाउनलोड पर जाओगे, तो अगर यहाँ पर आपका एपीके फाइल जो डाउनलोड हो चुका होगा स्नैपक्यूब, अगर आपको इस पर क्लिक करना है। अगर मेरे पास पहले से ऐप ये इंस्टॉल है, तो गाइस इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद आप हटा देता हूँ। आपको ये भी बता देता हूँ गाइस, इसको स्नैपक्यूब को कैसे यूज कर सकते हो। वैसे स्नैपक्यूब को भी यूज करना बहुत ईजी, बिल्कुल विडमिट की तरह गाइस। आपको इसमें सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद गाइस सबसे बड़ी चीज होती है मूवी, तो मैं मूवी को डाउनलोड मूवी लिख लेता हूँ। मूवी लिख रहा हूँ गाइस, बाबा मूवी लिखा जा रहा है, तो मूवी को मैं लिख लेता हूँ। मूवी लिख ले रहा हम अब लिखा गया सिंपली मूवी हाँ मूवी लिख गया। तो मैंने मूवी लिखा, तो सबसे पहले बार मेरे सामने जो मूवी आई है वो ये वाली आई गई। तो ये वाली जो मूवी है, ये मूवी 2 घंटे से ऊपर है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको इसको डाउनलोड करके बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे हम लोग मूवी देख भी सकते हैं और कुछ देख भी सकते हैं, जो भी देखना चाहे, और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ गाइस, वो भी 180 के सपोर्ट पर। तो गाइस ये इजी डाउनलोड आएगा। अब फाइल डाउनलोड कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको जाना है माई फाइल पे। माई फाइल में आप जाओगे तो गाइस यहाँ पे जो भी चीज़ें डाउनलोड होंगी वो सारी फाइल यहीं पर आ जाती है। तो मैं इसको गाइस डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये मूवी देखनी नहीं है, इसलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो गाइस आई होप कि गाइस ये वाली आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना, और साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर कर देना। और गाइस आपके भाई का इंस्टाग्राम का लिंक आ, तो गाइस आपको इंस्टाग्राम पर भी भाई को फॉलो कर लो। और गाइस अगर आपको कोई वाली वीडियो कोई पसंद समझ ना आई हो गाइस, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again.